हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कोई है? सत्य मामा, जाम बच्ची कोई है? मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, वो राक्षस प्रद्युम्न को उठा कर ले जा रहा है। अरे, हमारा बच्चा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मेरे पैरों के नीचे आ गए तो धरती में धस जाओगे, धरती में। अरे दुष्ट दानव, छोड़ दे मेरे प्रद्युम्न को, छोड़ दे वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरी भलाई इसी में है, तू रुक जा। तू मुझे रोकेगा? हाँ मैं रुकूंगा तुझे, मैं। रुक जा दुष्ट, रुक जा, मुझे क्रोध मत दिला। यदि मुझे क्रोध आ गया तो तेरा जीवन संकट में आ जाएगा। अरे मूर्ख मानव, तू इस दानव को मृत्यु से डराता है? मृत्यु तो मेरी दासी है, दासी। अरे दुष्ट घमंडी दानव, लगता है तुझे अपने बल पर बहुत घमंड है। हाँ मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। बच्चा तो मैं तुझे नहीं दूंगा, यदि तुझ में साहस है तो आकर बच्चा छीन ले। मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फटा जा रहा है, मैं क्रोध की अग्नि में जल रहा हूँ। यदि मैं अपना क्रोध किसी पर न उतारूं, तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। हाँ, उन काले शत्रुओं ने मेरे दो दो मायावी राक्षसों का नाश कर दिया। हाँ, नाश कर दिया। क्या आज्ञा है महाराज? प्रलय असुर, तुम द्वारिका जाओ और वासुदेव कृष्ण के पुत्र का हरण कर मेरे पास आओ। जो आज्ञा असुरेश्वर। Thank you.
के नीचे आ गए तो धरती में धस जाओगे, धरती में। अरे दुष्ट दानव, छोड़ दे मेरे प्रद्युम्न को, छोड़ दे वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरी भलाई इसी में है, तू रुक जा। तू मुझे रोकेगा? हाँ मैं रुकूंगा तुझे, मैं। रुक जा दुष्ट, रुक जा, मुझे क्रोध मत दिला। यदि मुझे क्रोध आ गया तो तेरा जीवन संकट में आ जाएगा। अरे मूर्ख मानव, तू इस दानव को मृत्यु से डराता है? मृत्यु तो मेरी दासी है, दासी। अरे दुष्ट घमंडी दानव, लगता है तुझे अपने बल पर बहुत घमंड है। हाँ मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। बच्चा तो मैं तुझे नहीं दूंगा, यदि तुझमें साहस है तो आकर बच्चा छीन ले। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मजा चखाना ही होगा। ओ, अरे तू क्या मुझे मजा चखाएगा, मैं तुझे ही मिटा देता हूँ।
दीदी दीदी देखो अपने प्रद्युम्न में बच गया। सब ठीक हो जाएगा दीदी, देखो सब ठीक हो गया है दीदी, सब ठीक हो गया। देखो दीदी, दीदी अपना प्रद्युम्न बच गया। दीदी दीदी होश में आओ। असंभव असंभव असंभव, ये तुम क्या कह रही हो मायावती? उन ग्वालों ने मेरे दूसरे मायावी राक्षस का भी नाश कर दिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या दैत्यराज, आप अपना क्रोध इन निर्जीव वस्तुओं पर नष्ट कर रहे हैं? तो क्या करूं मायावती, मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फटा जा रहा है, मैं क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं। यदि मैं अपना क्रोध किसी पर न उतारूं तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। उन ग्वाले शत्रुओं ने मेरे दो दो मायावी राक्षसों का नाश कर दिया। हाँ, नाश कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है नाथ, हमने कृष्ण जैसे शत्रु को इतना तुच्छ समझ लिया था कि उसके सीने से उसका कलेजा निकाल लाने के लिए अपने दो साधारण राक्षसों को दांव पर लगा दिया था। मायावती, वो साधारण राक्षस नहीं थे, वो मेरे सबसे शक्तिमान और मायावी राक्षस थे, जिन्हें शत्रुओं ने चींटियों की भांति मसल डाला। मायावती, नाथ आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका सबसे शक्तिशाली विशाल और विराट राक्षस भी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता। पर क्यों मायावती? इसलिए कि आपके सारे राक्षस आपके दास हैं और दास कभी स्वामी की बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात ये कि अपना पुत्र खोने से जो घाव आपके हृदय पर लगा है, जिससे आप बुरी तरह तड़प रहे हैं, वो तड़प और तड़पन की वो शक्ति किसी भी दास राक्षस में नहीं आ सकती, चाहे वो कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो। पुत्र वियोग के इस घाव के कारण आपके क्रोध को अनंत शक्ति प्राप्त हुई है और आप हैं नाथ कि इस शक्ति को इन निर्जीव वस्तुओं पे नष्ट किए दे रहे हो। मैं क्या करता मायावती, मायावी और प्रलयासुर की हत्या कर उन ग्वालों ने मेरे क्रोध के अग्नि कुंड में खींच रखने का काम किया है, जिससे मेरा क्रोध और भी बढ़ गया है। अर्थात आपकी शक्ति और भी बढ़ गई है, इस शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए, अपने क्रोध को सही दिशा दीजिए, इस राजमहल से बाहर निकलिए महाराज, क्योंकि बुद्धिमान शत्रु स्वयं चलकर चरणों में नहीं आते। सांप को मारने के लिए उसके बिल में हाथ डालना पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो मायावती, आज तुमने मेरे क्रोध को
सही दिशा दी है। कष्ट जैसे मायावी शत्रु का सामना मेरे मायावी दानव नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं शत्रु के राजमहल में घुसकर उसके पुत्र का हरण करूंगा और तुम्हारे सामने कौरवों के कुलदीपक को बुझा दूंगा। हाँ!